हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, थ्योरम 6.7 एंगल्स एंड प्रॉपर्टी एंड थ्योरम 6.8 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। थ्योरम 6.7 एंगल्स एंड प्रॉपर्टी में प्रूव करना है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये इसका स्टेटमेंट है। प्रूव करने के लिए ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पर हमें इन तीनों का सम 180 डिग्री शो करना है। गिवन टू प्रूफ लिखते हैं, तो गिवन टू प्रूफ लिखने से पहले यहाँ पर एंगल्स के नेम दे देते हैं, एंगल 1, 2 और 3। गिवन में है ट्राइंगल PQR विद एंगल्स 1, 2 एंड 3। प्रूफ करना है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो कंस्ट्रक्शन में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है P से, जो कि QR के पैरेलल होगी। XY हमने ड्रॉ कर ली QR से पैरेलल, तो दो एंगल्स और बन गए, एंगल 4 और एंगल 5। अब उसका कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं, ड्रॉ अ लाइन XY पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू QR। अब इसका प्रूफ लिखेंगे, तो प्रूफ में ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, XY इज पैरेलल टू QR। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, PQ ट्रांसवर्सल हुआ और ये 4 और 2 दोनों अल्टरनेट एंगल्स हुए, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। XY इज पैरेलल टू QR, देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2। उसका रीजन लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह से अगर हम PR को ट्रांसवर्सल लें, तो एंगल 5 और 3 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वो भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3, इसका भी रीजन में लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। अब अगर हम XY को देखें, तो XY एक लाइन है, और लाइन पे अगर एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5 सबका सम 180 डिग्री होगा। XY इज़ अ लाइन, देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल 4 था एंगल 2 के इक्वल और एंगल 5 था 3 के इक्वल। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंगल 4 की जगह पर एंगल 2, ये एंगल 1 ऐसे ही रहेगा, और एंगल 5 की जगह पर एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब एंगल 2 हो गया, एंगल 2 था Q, एंगल 2 की जगह पर एंगल Q लिख देते हैं, और एंगल 1 था एंगल P, 3 था एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर उसे हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री, उसे रीअरेंज करके हैंस प्रूफ। इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। ये छोटा सा और इजी सा प्रूफ था। जो नेक्स्ट वाला थ्योरम है 6.8, उसका स्टेटमेंट है ये, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर ये ट्राइंगल है PQR, QR को प्रोड्यूस किया गया है S तक, जिसका एक्सटीरियर एंगल है PRS। तो यहाँ पर भी हम नंबर्स डाल देते हैं, एंगल P को एंगल 1, Q एंगल 2,
से 3 और एक्सटीरियर एंगल को 4। अब हमें शो करना है कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल PRS इज इक्वल्स टू एंगल P प्लस एंगल Q। ये हमें प्रूव करना है, तो उसके लिए गिवन लिखते हैं, ट्रायंगल PQR, QR इज प्रोड्यूस टू S, पॉइंट S वेयर एंगल PRS इज एक्सटीरियर एंगल। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल PRS इज इक्वल्स टू एंगल P प्लस एंगल Q। प्रूव करते हैं, इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। इसका रीज़न होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि अभी हमने लास्ट थ्योरम में प्रूव किया था, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसे हम 1 नंबर दे देंगे, अब अगर हम देखें तो 3 और 4 दोनों लीनियर पेयर हैं, उनका सम भी 180 डिग्रीज होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। इसका रीज़न होगा लीनियर पेयर। इसे इक्वेशन सेकंड लिख दें, अब इसका सम भी 180 डिग्री है और इसका सम भी 180 डिग्रीज है, इसका मतलब ये हुआ इसका RHS इक्वल है, तो हम LHS को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के LHS को इक्वल कर देंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब यहाँ पर 3 और 3 दोनों साइड में था, कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं, अब बचा सिर्फ एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 4 क्या था? एंगल 4 था एंगल PRS, तो 4 की जगह पर हम PRS लिखेंगे, 1 की जगह P और Q की जगह 2। एंगल PRS इक्वल्स टू एंगल P प्लस एंगल Q, तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। तो ये दो थ्योरम्स थी, प्रॉपर्टीज थी, जिनका यूज़ हम 7th क्लास से करते आ रहे हैं, लेकिन 9th में इन्हें प्रूफ करना था, एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। थैंक यू।